पे हम कल रात को काफ़ी लेट पहुंचे थे, 11:30 के करीब। तो ये जो व्यू है मेरे पीछे जो मैंने अभी आपको दिखाया और ड्रोन फुटेज में भी शायद आपने देखा, हमको पता नहीं था कि इतना खूबसूरत जो है यहाँ पे व्यू है। बहुत ही ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी सी जो है हवा चल रही है एंड द एंटायर प्लेस लुक्स एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। तो अभी हम लोग सुबह उठ गए थे 6:30 के आसपास हम लोग गए, छत पे गए, ड्रोन फुटेज लिया, जैसे आप लोगों के लिए दिखाया हमने। ब्रेकफास्ट अभी हम लोगों ने कर लिया है, पराठे खाए थे, ब्रेड खाया था और ऑमलेट खाया था। बहुत ही सिंपल, बहुत ही गुड ब्रेकफास्ट था विद दिस व्यू। अभी निकलेंगे मार्केट की तरफ, थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे बरोट, और ट्राउट फिश खाने का बड़ा मन है बिकॉज मुझे लगता है कि ये वाला जो साइड है हिमाचल का, यहाँ पे ट्राउट फिश जो है बहुत फेमस है और बहुत ही सही तरीके से यार बनाते हैं यहाँ पे। तो चलते हैं एक्सप्लोर करते हैं और आप लोगों को भी साथ में ले चलते हैं और दिखाते हैं बरोट वैली की खूबसूरती को। आज मैं ये हैट ट्राई कर रहा हूँ डीडी का। डीडी थैंक यू सो मच, वेलकम बड़ी। एंड डीडी इज टेकिंग पिक्चर्स ऑफ, बहुत ही ये जो बड़ा पेड़ मैंने दिखाया बहुत खूबसूरत है, और ऐसे कई यूनिक चीज़ें आपको पहाड़ों में मिलती हैं। और आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू समथिंग, गिव मी द कैमरा। देखिए हर चीज़, चाहे इंसान हो चाहे पेड़ हो, हर चीज़ को अडेप्ट करता है। नाउ सी, दिस इज़ अ माउंटेन। ये पेड़ यहाँ से शुरू हुआ है ताकि वो, क्योंकि पाइन ट्रीज आर ऑलवेज लाइक स्ट्रेट एंड सीधा ऊपर जाता है। नाउ सी, उसने किस तरीके से अपने आप को मोल्ड किया है, यू सी दैट। सो एवरीबडी अडैप्ट अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग्स, अकॉर्डिंग टू नेचर। आई थिंक कल के बाद आज जो है काफ़ी मज़ा आ रहा है, बिकॉज कल का अगर आपने व्लॉग देखा होगा, आपको पता होगा कि रास्ते जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हैं बरोट वैली पहुंचने के। तो पटियाला से कल हम आए थे साक्षी के घर से। साक्षी, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल हॉस्पिटैलिटी। मतलब दोस्तों हैं ही हम, बट उसके बावजूद भी हॉस्पिटैलिटी की अगर मैं बात करूँ तो वी हैव एन्जॉयड आवर टाइम। तो यहाँ पर आने के बाद अच्छा लग रहा है थैंकफुली। एंड जो ख़राब रोड्स थे, आई थिंक द व्यूज़ मोर देन मेकअप फॉर इट। एंड द उल रिवर जो ये नीचे बहती है कॉन्स्टेंटली, व्हेन यू स्लीप, व्हेन यू आर अवेक, व्हेन यू आर हैविंग ब्रेकफास्ट, व्हेन आई एम इवन मेकिंग कॉफ़ी, ये जो एक सिम्फनी है ना, जिसको कहते हैं म्यूज़िक टू द ईयर्स, वो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है पीस, मुझे लगता है अपने दिमाग में मेंटली आपको पहुँचाती है। और फोटोज़ वगैरह ले रहे हैं, चिल कर रहे हैं, बेसिकली आज का दिन कुछ करना नहीं है, वी आर हियर जस्ट टू चिल फॉर टुडे। और कल हम कहाँ निकलेंगे कहाँ नहीं निकलेंगे, अगर आपको वो फॉलो करना है तो ऑफ कोर्स व्लॉग्स रेगुलरली आपको देखना पड़ेगा। बट अभी के लिए हम एंजॉय कर रहे हैं जो 360 व्यूज़ हैं यहाँ पे हिमालयस के हर तरफ, और खूबसूरत नदी जो बह रही है नीचे वो। सो ऐसा बहुत कम होता है कि मैं कहीं ट्रैवल करूँ, स्पेशली जनरली अकेले ट्रैवल करता हूँ तो अपने फ़ोटोज़ खुद लेना पड़ता है, टाइमर लगा के या कहीं ना कहीं रख के। बट आज मेरे साथ ऑफ कोर्स ट्रैवल पार्टनर है, तो मुझे लगता है काफ़ी सारे फ़ोटोज़ जो हैं मिलने वाली हैं थैंकफुली। और डीडी और मैंने डिसाइड किया है कि यार हम एक दूसरे की फ़ोटोज़ काफ़ी लेंगे, जगह तो देखेंगे ही बट एक दूसरे की फ़ोटोज़ भी काफ़ी लेने वाले हैं। तो डीडी मेरी फ़ोटोज़ ले रहा है और ये मेरी ले रहे हैं फ़ोटोज़। अबे यार डीडी,
सो वो वाला जो अभी बिल्डिंग आपने देखा है हरे कलर का जो मेरे पीछे है, दैट इज़ द होटल जो हम जहाँ पे हम रह रहे हैं। हरी स्नो व्यू के नाम से होटल है। अगर आपको बुक करना है तो बोर्ड जो मैंने दिखाया है उसको पॉज करके फ़ोन नंबर है वहाँ पे उनको कॉल कर लीजिएगा। ऑल्सो बिकॉज कई बार यहाँ पे टूरिस्ट का इन्फ्लक्स बढ़ जाता है जो कि वो कह रहे हैं, और अभी एक्चुअली लॉकडाउन खुलने के बाद थोड़े बहुत टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पे, बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है, बट आते हैं। तो आप पहले ही बुक करके आइएगा। बरोड वैली में है ये होटल, सिक्योरेटेड है, जो मेन मार्केट है वहाँ से करीब 1 किलोमीटर ऊपर है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हल्ला गुल्ला नहीं है। सो ओवरऑल आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली फाइन। ऑल्सो अगर आप बरोड आ रहे हो, जैसे मैंने कल के ब्लॉग में बताया, रास्ते जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो उस हिसाब से गाड़ी लाइएगा। छोटी गाड़ी है तो बहुत धीरे आना पड़ेगा। एसयूवी वगैरह है आपके पास तो आई डू नॉट थिंक दैट इज़ गोइंग टू बी एन इशू। तो बरोड आना बनता है। कल रात को जब मैं आया था तो मैं इतना खुश नहीं था, बिकॉज मुझे लगा था यार कहाँ आ गए हैं, रास्ता इतना ख़राब है। रात को 11:30 बजे पहुँचे थे, थोड़ा सा इरिटेटेड थे, बट आज सुबह जैसा मैंने दिखाया आपको, व्यूज़ यहाँ से फैंटास्टिक है। और ओवरऑल अगर मैं बात करूँ जगह की तो काफ़ी कूल है, धूप है अभी तो उस हिसाब से थोड़ी सी गर्मी है, बट ओवरऑल मौसम बहुत ही प्यारा है यार, बहुत ही प्यारा है। तो हाय गाइस, मैं थोड़ा सा आई एम बाजिंग इनटू बॉबीज व्लॉग, ये क्योंकि दिखाना बहुत ज़रूरी है कि बॉबी रॉय, जितना कि आप सब लोग जानते हैं बॉबी को, ही इज़ अ टोटली अ कॉफ़ी पर्सन, कड़वी कॉफ़ी बेसिकली, पोर ओवर एंड ऑल, ठीक है। वो सिर्फ और चाय के नाम पे तो ऐसा बोलता है कि अरे चाय। आज अभी बॉबी क्या पी रहा है, प्लीज़ बॉबी ठीक है। एक्चुअली मैं पीऊँगा नहीं इसको, इट इज़ जस्ट दैट मैं पहाड़ों में हूँ यार, थोड़ा फील के लिए आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि चाय मंगवाई एटलीस्ट चाय। ऑल्दो मैं चाय पसंद नहीं करता हूँ, नथिंग अगेंस्ट चाय और द पीपल हु लाइक चाय, इट्स जस्ट दैट पहाड़ों में है तो मुझे लगा कि चाय मंगा लेनी चाहिए मोमोज के साथ, बिकॉज दीज आर वन ऑफ दी बेस्ट मोमोज एज डी डी सेज दैट ही हैज हैड। अच्छा मोमो है बहुत, नॉनवेज है ऑफकोर्स, सो इफ यू लाइक नॉनवेज मोमोज बरोड आओगे तो यार ट्राई करना। दुकान का नाम तो मेरे को पता नहीं है, अभी दिखा देंगे थोड़ी देर में, पर अच्छे मोमोज। सो तो हाँ, हम मार्केट से घूम के आ गए थे, मोमोज खाए वहाँ पे और व्यूज़ देखे वहाँ के बैठ के, एज इन कूल रिवर ही बहती है, बट इट इज़ ब्यूटीफुल, बहुत पीसफुल था, काफ़ी समय हमने वहाँ पे बिताया। और अभी हम आ गए हैं वापस रूम में, शाम के बज रहे हैं 3:30, रादर दोपहर के बज रहे हैं 3:30। डीडी थोड़ी देर रेस्ट करना चाहता है तो वो सो रहा है, और मुझे लगा कि मैं यहाँ बाहर बैठ के सीढ़ियों में, जैसा आप देख सकते हैं सीढ़ियों में बैठ के जो व्यू है वो एंजॉय करूँ, जो साउंड है नदी की वो एंजॉय करूँ, और जो फ़ोटोज़ मैंने लिए हैं वो अगर आपको देखने हैं तो इंस्टाग्राम पे स्टोरीज़ में मैं रेगुलर डाल रहा हूँ यार, वहाँ पे कनेक्ट हो जाओ मेरे साथ। व्लॉग मैं फ़िलहाल M50 Mark II जो मैंने अनबॉक्सिंग डाली थी कुछ दिनों पहले उससे कर रहा हूँ, एंड इसके साथ साथ गूगल पिक्सल 4A के भी जो फुटेज है वो भी मिक्स कर रहा हूँ। तो या यही बात है, अभी शाम को शायद हम लोग निकलेंगे मार्केट की तरफ, या इफ़ डीडी डजंट फील टू गुड, डीडी रेस्ट करेगा, मैं निकलूँगा, आई टेक अ वॉक, आई टेक सम मोर पिक्चर्स, बिकॉज मौसम काफ़ी अच्छा है और जनरली वॉक करने में भी काफ़ी मज़ा आ रहा है। गर्मी नहीं है, टी शर्ट में मैं ऑल तो हूँ, बट गर्मी नहीं है ना कि ना सर्दी है, सो इट्स अ परफेक्ट सॉर्ट ऑफ अ वेदर। अभी जाके थोड़ा नहा धो लूँगा, लंच वगैरह ऐसा कुछ कर नहीं रहे हम लोग, बिकॉज छोटा मोटा कुछ कुछ खा लिया था, व्यूज़ एंजॉय कर रहा हूँ, जनरली ज़िंदगी के बारे में सोच रहा हूँ, और कॉन्टेम्पलेशन के लिए मुझे लगता है हिमालयाज आर द बेस्ट प्लेस दैट यू कैन एवर फाइंड, वेल मुझे तो ऐसा ही लगता है। सो इट्स टाइम टू हैव द स्पेशल डिश ऑफ हिमाचल प्रदेश, हम खा रहे हैं ट्राउट फिश, और प्लान तो यही था कि ट्राउट फिश खाना है, बट कहीं ना कहीं मिलने में और इनफैक्ट वेरी एक्सपेंसिव एज वेल, कितना हम लोग पे करेंगे, 1000 रुपीज़, 1000 bucks फॉर दिस फिश जो मैंने अभी दिखाया आपको। ये है कि हिमाचल अगर आओ तो ट्राउट ज़रूर ट्राई करो, स्पेशली इन दिस पार्ट ऑफ हिमाचल, यहाँ हो गया तीर्थन हो गया, ट्राउट ज़रूर ट्राई करो, एंड आई एम श्योर यू वुड एन्जॉय दैट एक्सपीरियंस एज वेल। तो अभी हम करेंगे अपना ट्राउट फिश और कॉफ़ी ख़त्म, और चलने का प्लान है कहाँ, मार्केट में, मार्केट चलने का प्लान है, बिकॉज सुबह से हम लोग बस एपेटाइजर्स ही खा रहे हैं, दिन में मोमोज खाए थे फिर आके सो गए थे, अभी हम ट्राउट खा रहे हैं, तो आई थिंक वी विल गो टू द मार्केट, इट्स अबाउट, इट्स एक्चुअली
एब्सोल्युटली पॉइंट ऑन 6 o'clock इन द इवनिंग. एक घंटे में यहाँ से निकलेंगे, मार्केट जाएंगे, वहाँ डिनर करेंगे और उसके बाद आके सो जाएंगे. दैट्स द प्लान, बिकॉज टुमारो अर्ली मॉर्निंग वी लीव फॉर वेयर, वो कल ही पता चलेगा आप लोगों को. तो मार्केट वगैरह अभी घूम चुके हैं हम लोग और बैठे हैं. सुबह भी यहीं पे आए थे मोमोज खाने के लिए, अगर आपने देखा होगा वो वाला पार्ट. तो अभी वहीं बैठे हैं, कुछ डिनर वगैरह हम लोग करने वाले हैं. फिलहाल वी आर हैविंग अ कप ऑफ कॉफ़ी ईच. ये पीने के बाद डिनर करेंगे और डिनर के बाद सीधा स्ट्रेट टू द होटल रूम एंड मैं वीडियो एडिट करूँगा. डीडी जो बैठे हैं वो फोटोज़ एडिट करेंगे और उसके बाद प्रॉब्ली लिटिल लेटर इन द नाइट हम सो जाएंगे. और ऑफ कोर्स सुबह 6 बजे के आसपास हम यहाँ से बरोड वैली से चेकआउट कर जाएंगे और एटलीस्ट दैट इज़ द प्लान. अब कल कहाँ जाते हैं हम लोग वो अगर आप इंस्टाग्राम स्टोरीज़ मेरी फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ आपको दिख जाएगा. इससे पहले कि यूट्यूब पे दिखे, ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे मैं स्टोरीज़ रेगुलरली शेयर कर रहा हूँ. एंड फॉर दोज पीपल हु आर आस्किंग मी कि इंस्टाग्राम पे जो मैं स्टोरीज शेयर कर रहा हूँ वो कौन से फ़ोन से कर रहा हूँ, वो है गूगल पिक्सल के 4a से मैं हर एक स्टोरीज वहाँ पे शेयर कर रहा हूँ. तो अभी मैं इस ब्लॉग को यहीं पे करूँगा एंड. बरोड वैली में बहुत अच्छा लगा, बहुत ही खूबसूरत वैली है. और सुबह जब हम निकलेंगे दोबारा से कल के ब्लॉग में आपको देखना पड़ेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं और कौन से नए डेस्टिनेशन में जा रहे हैं. रेस्ट एश्योर्ड दिल्ली वापस जाने में अभी कुछ और दिन हमारे पास बाकी हैं. तो इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को करूँगा यहीं पर एंड और मिलूँगा कल के नए ब्लॉग में इन अ न्यू डेस्टिनेशन. गुड नाइट गाइस.